जो पहले हिंदू से बौद्ध बन गया था, लेकिन इस वक्त ये वही परिवार बौद्ध से दोबारा हिंदू बन रहा है। ये प्रलोभन के चक्कर में भटक गए थे, लेकिन ये हमारे परिवार के हैं, किसी के कहने पर चले गए थे, बौद्ध वहाँ बन गए थे। एक बौद्ध परिवार को फिर से घर वापसी कराई जा रही है। एक तरफ पूरे देश में जहां हिंदुओं का धर्मांतरण जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की घर वापसी भी हो रही है। आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस तरीके से हिंदू धर्म छोड़ के गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दो दिनों से मैं कैसे दिखा रहा हूँ कि जौनपुर में बदलापुर विधानसभा के सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल का जो प्रबंधक है थॉमस जेसप, उसने तकरीबन 500 परिवारों को हिंदू से ईसाई बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी थी। लेकिन इस वक्त मैं उसी जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में हूं और मैं आपको यहां पे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहां पे एक परिवार है जो पहले हिंदू से बौद्ध बन गया था, लेकिन इस वक्त ये वही परिवार बौद्ध से दोबारा हिंदू बन रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तरफ देश में जहां धर्मांतरण गैंग एक्टिव हो गई है, जहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण जारी है, जहां पे 5 बोरी चावल पैसों के दम पर भूत पिशाच का डर दिखाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये दृश्य देखिए किस तरीके से एक बौद्ध परिवार का, यहाँ पे आप एक दृश्य देखिए किस तरीके से एक बौद्ध परिवार का घर वापसी कराया जा रहा है। देखिए आप, वैदिक रीति रिवाज और वैदिक परंपरा के साथ घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। पंडित जी बैठे हैं, मंत्रोच्चारण चल रहा है। वैदिक रीति रिवाज के तहत एक बौद्ध परिवार को फिर से घर वापसी कराई जा रही है, फिर से हिंदू बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ जौनपुर के हिंदूवादी नेता प्रमोद शर्मा, जगदीश सिंह और उनके साथ भीम यादव। ने देखा, मैंने आपको दिखाया कि जौनपुर में किस तरीके से सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो एक गांव में हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे थे, हिंदू से ईसाई बना रहे थे। यहां एक परिवार है उसी गांव का जो कभी बौद्धिस्ट हो गया था, हिंदू धर्म छोड़ चुका था, लेकिन अब जौनपुर के हिंदूवादी नेता प्रमोद शर्मा ने आज उनकी घर वापसी कराई। क्या कहिएगा, धर्मांतरण गैंग तो आज सो नहीं पाएगा। ये हमारे परिवार के हैं, लालच और प्रलोभन के कारण ये भटक गए थे और मैं आज इनको अपने परिवार में लाया हूं पुनः, और ये लोग धर्म परिवर्तन करवाएंगे। मैं सीना तान के कहता हूं कि मैं घर वापसी करवाऊंगा, इनको मैं अपने परिवार में लाऊंगा। और ये कीड़े मकोड़े जो हमारे परिवार को गुमराह करके बांटने का कार्य कर रहे हैं, ये एकदम इनको चेतावनी है कि ये सतर्क हो जाए, किसी भी समय ईंट का जवाब पत्थर से देने। क्या कहेंगे धर्मांतरण गैंग को आप, क्या कहेंगे जो पैसे के दम पर और तरह तरह से डरा धमका कर हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहा है। हिंदू परिवार जाग चुका है पूरी तरीके से। अब यही उदाहरण है कि ये प्रलोभन के चक्कर में भटक गए थे, लेकिन ये हमारे परिवार के हैं, हमारे बीच में, हमारे परिवार में आए। तो जो भी भटके हुए हैं, पूरा मिशन चल रहा है घर वापसी का, हम लोग करवाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर वापसी करा रहे हैं, दूसरी तरफ जौनपुर में धर्मांतरण तो जारी है, लेकिन अब आपने घर वापसी का काम शुरू कर दिया है। अभी करेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, आगे बड़ी लड़ाई लड़नी है। और ये प्रलोभन लोभन के चक्कर में हमारे हिंदू भाई नहीं पड़ेंगे, ये हमारे परिवार के हैं, किसी कारण बस भटक गए थे, आज हमारे फिर परिवार में आ चुके हैं। धर्मांतरण गैंग को क्या जवाब देंगे? ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, पूरी ताकत लगा ले, पूरे देश में जितनी इनकी जाल नेटवर्क है पूरा ताकत लगा ले, मैं घर वापसी करके दिखवाऊंगा, किसी भी तरीके से मैं अपने परिवार को भटकने नहीं दूंगा। और कोई जोर जमाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, हमारा परिवार भटक गया है, हमारे पास तक आएगा तो हमारा परिवार में, अपने परिवार में लूंगा। डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई डर नहीं है। जो मेरा परिवार है, मेरा परिवार रहेगा। हिंदुओं को क्या संदेश देंगे? हिंदुओं को संदेश देंगे, जो हमारे गरीब हिंदू, दबे कुचले हिंदू हैं, जो प्रलोभन के चक्कर में भटक गए हैं, अगर ऐसे स्वेच्छा से आना चाहते हैं तो उनका घर वापसी करवाएं, पूरा सहयोग करेंगे मैं उनका। क्या आज आप फिर से हिंदू बन गए हैं? कैसा लग रहा है हिंदू बन के? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्या अभी बौद्ध धर्म थे इससे पहले? जी जी। तो पहले तो आप हिंदू हुआ करते थे? जी जी। कैसे आप बौद्ध बने? किसी के कहने पर चले गए थे, बौद्ध वहाँ बन गए थे, तो आज हमें पता चला कि हिंदू रहने क्या है और बौद्धिस्ट रहने पे क्या सुरक्षा मिलेगी और हिंदू रहने पे क्या सुरक्षा मिलेगा। वही आज मुझे एहसास हुआ, तो मैं अपने वो घर वापसी आया, लेट सवेर आया, लेकिन अच्छा लग रहा है घर वापसी करके। हाँ, अच्छा लग। क्या लग रहा है, देश के हिंदू और सब लोग आपका समर्थन करेंगे, प्यार सम्मान? हाँ सर, प्यार सम्मान सब मिल रहा है, मिलेगा। हाँ, ये हमें बताइए कि आपको पैसा दिया गया, जबरदस्ती करा गया आपके साथ? नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं किया, मैं अपने मैं दिल से आया हूँ, मैंने दिल और अपनी हाँ सुरक्षा से आया। आपका पूरा परिवार? पूरा परिवार। क्या कहेंगे जो लोग अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, धन परिवर्तन कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? जो धन परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे यही कहने भाई, अपने लौट आए हिंदू धर्म में। आज आप हिंदू बन गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो क्या आप पूजा पाठ करती हैं? पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को आप मानते? जी हैं? जी जी। अब आप हिंदू धर्म में आ गई वापस, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ। आप जी चलो।
तो साथियों आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त मैं जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक तरफ हिंदुओं का धर्मांतरण जारी है तो दूसरी तरफ घर वापसी कराया जा रहा है। एक बहुत परिवार आज हिंदू बना है यहाँ पे। जौनपुर के हिंदूवादी नेता प्रमोद शर्मा मेरे साथ मौजूद है। आपने देखा एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार किस तरीके से हिंदुओं की घर वापसी करा रहे हैं ग्रॉस लेवल पे, उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में जो हिंदू कहीं भटक रहे थे, कहीं बिछड़ रहे थे, कहीं उन्हें बरगलाया जा रहा था, निश्चित तौर पर उनकी घर वापसी शुरू हो चुकी।